जिसका अपना कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो क्या जेडीयू मुक्त या कांग्रेस मुक्त करेगी? इस तरह की बात वही लोग करते हैं जिन्हें लोकतंत्र में जिनका कोई आस्था नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी को जिसे बिहार से मुक्त किया है, इस देश से भी मुक्त करेगी, वो दूसरे के मुक्त करने की बात अब बीजेपी वाले छोड़ दें। जेडीयू ने अपने नेता का नाम आगे बढ़ाया है, कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता से पूछिए तो वही बोलेगा कि हमारे नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। देश की जनता विकल्प तो तय करती है, आम जनता वोट करती है कि हमें कैसा प्रधानमंत्री चाहिए। नरेंद्र मोदी से लोगों का मोह भंग हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को निराश करने का काम किया। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस MLC प्रेमचंद मिश्रा, और इनसे सवाल है कि मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में जदयू मुक्त करा, भाजपा कह रही है कि हो गया है, अब बिहार की बारी है, दूसरे तरफ आप लोग बीजेपी मुक्त करने की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में कहीं आस्था है नहीं। कल तक तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे थे, अब वो जेडीयू मुक्त बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि खुद बीजेपी मुक्त बिहार हो गई, सत्ता में थी वहाँ से बाहर हो गई है। तो जिस पार्टी को अपने भविष्य को लेकर अनेकों चिंताएं हैं, जिसका अपना कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो क्या जेडीयू मुक्त या कांग्रेस मुक्त करेगी? इस तरह की बात वही लोग करते हैं जिन्हें लोकतंत्र में जिनका कोई आस्था नहीं होता है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में रहकर जितनी तमाम विफलताएं की हैं, महंगाई और बेरोजगारी सर चढ़कर लोगों को बोल रहा है, तो वो अपनी अब चिंता करें कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी को जिसे बिहार से मुक्त किया है, इस देश से भी मुक्त करेगी, वो दूसरे के मुक्त करने की बात अब बीजेपी वाले छोड़। लेकिन जिस तरह से बिहार की राजनीति में उठापटक शुरू है, एक नेता दूसरे नेता पर छिटाकसी कर रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट हो पाएगी? KCR भी आए, उनसे भी नीतीश कुमार की अपेक्षा थी कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। और आप लोगों की लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी चाहिए, तो आप लोग आपस में ही खींचतान कर रहे हैं। मैं इस बात को नहीं मानता, कहीं भी आपस में गठबंधन के दलों के अंदर किस तरह की खींचतान नहीं है। जो गैर भाजपा पार्टियां हैं उनके बीच में धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि हम एक मजबूत विकल्प तैयार करें 2024 से पहले, आम जनता को सामने लेके आएं कि देखो यह एक गठबंधन है जो NDA को भाजपा को शासन से हटाने में सक्षम है। उसमें कई पार्टियां सामने आई हैं, कई पार्टियां आने वाले समय में आएंगी, और आप यकीन करिए आम जनता का समर्थन गैर भाजपा दलों का, जिसमें कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका होने वाली है, उसकी भूमिका रहेगी, और कांग्रेस के साथ मिलजुल कर ही एक बड़ा गठबंधन बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी तो तैयार, लेकिन नहीं है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं नीतीश कुमार। ये सब तमाम चीज़ें भविष्य की बातें हैं, ये समय पर हो जाएगा, अभी इसका निर्धारण नहीं हुआ है कौन हमारा चेहरा होगा 2024 में, ये समय पर हो जाएगा, उस पर कोई अंडरस्टैंडिंग आपस में बनी हुई है। जदयू की तरफ से भी राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग चल रही है और तमाम चर्चाएं हो रही है जदयू के अंदर खाने में भी, क्या आने वाले समय में लगता है कि कुछ बदलाव होगा? जदयू ही नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी एक्टिविटीज करती है। कल ही दिल्ली में कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली होने जा रही है महंगाई के खिलाफ, हम सब बिहार से यहाँ लोग आज निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, जदयू भी अपनी मीटिंगें कर रही है, सारी तैयारियां जनता के अधिकारों को लेकर लड़ने की हो रही है, और आम जनता को लगेगा कि कांग्रेस के साथ मिलकर जो गठबंधन बना है यही एक बेहतर विकल्प है NDA को हटाने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो जदयू भी मोर्चा खोल दिया है प्रधानमंत्री को लेकर, दूसरी तरफ आप लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोगों में तय तो किया जाएगा ना कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे? ये समय पर हो जाएगा, इसमें कोई मतभेद नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता जो होते हैं वो अपने नेताओं का नाम आगे बढ़ाते हैं, जदयू ने अपने नेता का नाम आगे बढ़ाया है, कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता से पूछिए तो वही बोलेगा कि हमारे नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, मोदी ने तो कह दिया है कि कांग्रेस का क्या जो हश्र हुआ है वो सब लोग देख रहा है, एक बार फिर से जो खेल देखा जा रहा है इसका भी वही हश्र होगा आने वाले समय में। अब भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं की बातों पर भरोसा करने के लायक स्थिति है नहीं, वो दूसरी पार्टी के बारे में जितना बोलते रहे हैं, देश की जनता विकल्प तो तय करती है, आम जनता वोट करती है कि हमें कैसा प्रधानमंत्री चाहिए। नरेंद्र मोदी से लोगों का मोह भंग हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को निराश करने का काम किया है। मैं समझता हूँ
बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर जो भी काम किया है उसका एक बेहतर विकल्प सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन ही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगातार पिछले 7 वर्षों से नरेंद्र मोदी की विफलताओं को मजबूती से उजागर किया है, चाहे नोटबंदी हो, GST हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कोरोना में विफलताएं हैं, हर पॉइंट पर सिर्फ सिर्फ राहुल गांधी ही सामने खड़े रहे हैं और लड़ा है उन्होंने जनता की हितों को लेकर। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों का आम जनता पर असर पड़ेगा, लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरे हैं और कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कांग्रेस के साथ मिलकर जो भी लाइक माइंडेड पार्टियां हैं बैठेंगी, आपस में चर्चा होगी और राहुल गांधी जी जो तय करेंगे उसे सब लोग मानेंगे। निश्चित तौर पर। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि कल कांग्रेस का दिल्ली में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन है और बिहार के तमाम नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और उसका असर भी आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। इस पर बस इतना ही, बने रहिए निष्पोनेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।